मैं प्रवचन देखो ना सर, वो वीडियो बताना था, मैं सर से बात करने वाला हूँ। मेरी जाए कुछ बोल दूँ अंदर पढ़ा लिखा गया। किस बारे में आप? अरे मैं जो बोलूँगा बोलता हूँ। बड़े शहरों में, हमारा शहर छोटा है इसलिए यहाँ पर नहीं है। बड़े शहरों में क्या होता है, अगर आपको आप ट्रेन से चित्तौड़ से चले गए जयपुर में, अब आपको दूसरी जगह जाना, जयपुर का तो विस्तार बहुत है, आपको 20 किलोमीटर जाना है, ऑटो की स्पीड होती है स्लो, तो आपकी कोशिश ये रहती है कि हम कार से जाएं। तो ऐसे ऐसे जो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले हैं उन्होंने ओला ऐप बना लिया है जैसे, अब वो क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल में आपने उस ऐप को डाउनलोड किया और उसमें डाल देते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, मानसरोवर जाना है, उसमें वो आपको पैसे भी बता देते हैं 120 रुपये। तो आप सोचते हैं 120 रुपये में मानसरोवर ले जाएगा, ऑटो की तुलना में फास्ट जाएगा। तो ये है सेवा प्रदाता होना, सर्विस प्रोवाइडर होना, ठीक है। अभी आपको सर्विसेज के बारे में, सेवाओं के बारे में अभी एक बताया था मैंने, लेबोरेटरी, वैसे ही एक कैब सर्विस, उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैब सर्विसेज बोलते हैं इनको, ठीक है, ये भी सर्विस होती है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, स्कूल्स, स्कूल खोलना, चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट स्कूल खोलना, स्कूल क्या है, व्यापार या सेवा? स्कूल सेवा है कि व्यापार? सेवा, सर्विस। क्यों? क्योंकि हम किसी वस्तु को बेच नहीं रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, अपनी विशेषज्ञताओं को दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। जो टीचर्स हैं क्वालिफाइड हैं, विशेषज्ञ हैं, वो अपने अपने ज्ञान को देंगे बच्चों को, तो वो सर्विस इंडस्ट्री हो गई। अच्छा वैसे ही बताओ सर, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल सेवा है कि व्यापार? सेवा है। तो मैं लेते हैं फैक्ट्रीज, पुराना शब्द क्या है, फैक्ट्री। फैक्ट्री दिमाग में आते ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, चित्तौड़ में तो कोई कमी नहीं है, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ आ रही है, हिंदुस्तान जिंक आ रहा है हमारे दिमाग में, ठीक है। और आप जानते हैं आपके यहाँ भी एक फैक्ट्री आई हुई है, कौन सी? मैं उस फैक्ट्री का कर्मचारी नहीं हूँ, मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो बनाती है पाइप, क्या बनाती है, प्लास्टिक के पाइप, HDPE पाइप्स बनाती है, ठीक है ना। क्या नाम है, क्या नाम है, CR मेट्रो पाइप्स, क्या नाम है इकाई का? तो वैसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ईंटे, हर घर का निर्माण है तो ईंटे तो चाहिए, तो आप ईंटों की फैक्ट्री भी डाल सकते हैं, ठीक है। ईंटों का काम आप कर सकते हैं, सीमेंट के आप ब्लॉक्स बना सकते हैं, जो नीचे सीमेंट के ब्लॉक लगाते हैं वो काम कर सकते हैं, और मसालों का काम कर सकते हैं, मसाले पीसने का जो काम होता है ना, वो जोरदार काम है। अगर आप लोग मसाला, कच्चा मसाला लाते हैं, धनिया हल्दी मिर्च वगैरह, और अगर उनको पीस कर बेचते हैं बिना मिलावट के, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा थोड़ी मिलावट भी तो कर दूंगी मैं, मिलावट नहीं करनी, बिना मिलावट के अगर आप बेचते हैं अच्छी क्वालिटी के साथ, तो वो बिजनेस जम जाता है 2-3 साल में बहुत अच्छा, और उसमें 150-200 गुना ज़्यादा फायदा होता है। तो जो मसाले का बिजनेस है, आटे का बिजनेस है, वो बहुत फायदेमंद बिजनेस होता है, बहुत कम लागत में हमारे यहाँ चालू हो जाता है, तो ये भी एक तरह का बिजनेस हुआ, करके देखें आप, और जहाँ पर भी ये काम हो रहा है उसको देखें आप। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक नमकीन जो है आपने देखा होगा आपके बचपन से, अभी तक मिठाइयों की दुकानें भी खूब खुली है, लगभग हर गली के कॉर्नर पर एक मिठाई की दुकान खुल गई है, या ई मित्र खुल गया है, ठीक है, या मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकानें खुल गई है, मोबाइल के सामानों की दुकानें खुल गई है। तो वैसे ही एक नमकीन की दुकानें भी खूब सारी खुलती रहती है। ऐसा क्या है इस व्यापार में ज्यादा दुकानें क्यों खुल रही है, क्योंकि उसमें फायदा ज्यादा है, अगर आप जितना पैसा लगाते हैं उसकी तुलना में कई गुना फायदा है। और दूसरा, जहां कहीं आप जॉब करते हैं, किसी के यहाँ जाकर काम कर रहे हैं, तो आपका एक टाइम लिमिट फिक्स होती है कि सुबह 8 बजे आना पड़ेगा, शाम को 6 बजे जाना पड़ेगा, ठीक है, और एक सैलरी फिक्स होती है, समय के साथ बढ़ती है वो, जैसा ये लोग आपको बता रहे हैं, आप अच्छा काम करते हैं तो उसके साथ बढ़ती भी जाती है। और खुद के व्यापार में एक तो आपको, आपके पास समय होता है, खूब टाइम है,
व्यापार का मतलब ये नहीं आप सोते रहें 10 बजे तक, लेकिन अपना व्यापार करने पर अपनी इच्छा से आप जा सकते हैं, अपनी इच्छा से आ सकते हैं, कई लोगों का जीवन संवार सकते हैं अपने साथ साथ, और वहाँ पर सैलरी की, पैसे की कोई सीमा नहीं है। जितनी आप मेहनत करेंगे वो आप आसानी से, हेलो, अच्छा अभी आपके बीच में माननीय जिला कलेक्टर महोदय आ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी जो वहाँ खड़े हैं प्लीज़ एक बार चेयर्स पर आ जाएं आप लोग जल्दी से। आपके बीच पधारे हैं और सर की ये रुचि थी अपने कि मैं युवाओं से मुखातिब हूँ, उनसे बात करूँ कि वो कैसा कर रहे हैं, इसीलिए अपने व्यस्ततम जो स्केड्यूल है उसमें से समय निकाल कर सर पधारे हैं। सर इनमें से मैं उधर से आपको तो पधारे जहाँ नियोक्ता हैं इधर ब्यूटिशियन उधर थर्ड फोर्थ नंबर, उन्होंने सबसे पहले फॉर्म में फिलअप करवाया, नाम मोबाइल नंबर ये सब चीज़ें, और फिर बोला कि सेक्टर 4 में ट्रेनिंग होगी तो आप वहाँ आ जाएंगे। सर यहाँ हमने जो नियोक्ता बुलाया सर प्राइवेट सेक्टर से, वो यहाँ पर अभी इनकी जो प्रारंभिक चयन कर रहे हैं सर, इनकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं, जो इंटरेस्टेड उनकी पूरी सूची बनाकर अपने साथ लेकर जाते हैं और फिर इनको कॉल करते हैं कि आप भी आए हमारे पास एक बार राउंड लेते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग कराता हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ, उसको देता हूँ, एक्सप्लेन करो।
उससे खाना मिलता है और ज़्यादा।